आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में आज नशीले पदार्थों को जलाया गया। गुवाहाटी के साकुची में भी 7472 किलो नशीली पदार्थ जलाई गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम विभाग द्वारा जब्त इन नशीले पदार्थ को इस्पात की एक फैक्ट्री में जलाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्चुअली शामिल हुई। गुवाहाटी कस्टम डिवीज़न का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आसाम और हाफ ऑफ अरुणाचल है, तो हमने आसाम और अरुणाचल के अलग अलग पार्ट्स से ये सब कलेक्ट किया है। और ये एक्चुअली गांधर डिस्ट्रिक्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, कोर्ट की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करने के बाद इतना हमारा डिस्ट्रिक्शन के लिए राइप हुआ है। हमारे पास इससे ज़्यादा भी स्टोरेज है, जो हम जैसे जैसे कोर्ट से परमिशन मिलती जाएगी उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे। आज 7400 कुछ है, आप मान के चलिए कि 7500 केजी 7.5 टन। तो इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री असम सरकार का भी ड्रग्स अगेंस्ट वार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ये ना केवल एक हमारा काम है बल्कि ये आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एक कदम भी है। ये आप जो फर्निस देख रहे हैं इसका 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसमें कोई सा भी धुआं बाहर नहीं निकलेगा, ये पूरा डालते ही जल जाएगा। इसमें स्टील भी पानी बन जाता है, एकदम मेल्ट हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर डिस्ट्रक्शन। टुडे प्रोग्राम इज इट इज डिनोटेड एज ड्रग डिस्पोजल डे। दिस इज पार्ट ऑफ द आइकॉनिक वीक ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। So today we are as part of that activity, Guwahati zone is destroying 7,424 kg of ganja, involved in 8 cases of cases booked by DRI, Director of Revenue Intelligence and Customs. And this is a very important occasion to convey to the people that the ill effects of drugs and why stopping trafficking of drugs and destruction is also equally important, because all of us know that what are the evil effects of drugs, and say we should say all no to drugs.